आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अडानी की एंट्री के बाद एनडीटीवी में एक के बाद एक इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्रणय रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे के बाद बुधवार देर शाम चैनल के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक और प्राइम टाइम एंकर रविश कुमार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा, भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी कभी नहीं था, जिसमें पत्रकारिता पेशे की हर अच्छी बात भस्म होती जा रही है। आज जहाज से उतरने वाला चाय की बात करता है। मीडिया की मौजूदा स्थिति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। उन्होंने देश की जनता का आभार जताया और गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। रवीश ने यह भी कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिड़िया से उसका घोंसला छीन लिया गया हो, मगर कभी न थकने वाला खुला आसमान जरूर है। आपको बता दें कि रवीश कुमार चैनल के प्रमुख शो हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम सहित कई कार्यक्रमों में एंकरिंग किया करते थे। रवीश कुमार देश की आम जनता को प्रभावित करने वाली जमीनी मुद्दों की कवरेज के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दो बार रामनाथ गोयनका और 2019 में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।